अरे ये क्या हो गया विनोद बंसल साहब, ये तो लगता उल्टा हो गया। बात तो कर सही है, अब जरा देखिए ना, अणभक चले थे पठान का बॉयकॉट करने, लेकिन वो तो सुपर दुपर हिट हो गया। उसके बाद गोदी भी अपना पाला बदल लिए। क्या बात कर रहे हैं, अरे टेंशन कहाँ लेते हैं, देख लीजिए बॉयकॉट गैंग ने ब्लॉकबस्टर बना दिया। इस तरह के विरोध सिर्फ कुछ दिनों के लिए सोशल मीडिया की चकल्लत से ज्यादा कुछ होते नहीं। आपका क्या ख्याल है मंत्री जी? हाँ कुछ तो गड़बड़ है। बस इतना ही समय, जरा टॉनिक का कमाल भी देख लीजिए। आप पठान देखेंगे कि नहीं देखेंगे विनोद जी? मैं तो नहीं देखूंगा। क्यों देखूंगा अभी? क्यों नहीं देखेंगे पठान आप? फिल्म देखने लायक नहीं है। आप वो फिल्म के बारे में कहे ना, कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर तो मत देखिए ना, फिल्म देखने लायक नहीं, आप मत देखिए। चौंक गए महाराज, तो सुनिए। ऐसा मत सोचिएगा कि देर आए दुरुस्त आए, कम से कम टॉनिक काम तो करना शुरू कर दिया, शायद इसीलिए आप पत्रकारिता कर रही हैं। कोई इनसे सीखे। अगर ऐसा लग रहा है तो फिर ये देख लीजिए, एक तरफ दुनिया मोदी सरकार के बजट को बुलंद भारत की शानदार तस्वीर के झलक के तौर पर देख रही थी, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान की संसद में भुखमरी का मसला गूंज रहा था। सांसद हाथों में रोटी लेकर पहुंचे थे। यार ये क्यों समझ में नहीं आता है, आखिर ये गोदी हमारे देश की तुलना दुनिया के अमीर व मजबूत देशों के बजाय पाकिस्तान से क्यों करते हैं? अपने पर्सनल होठों से सही बोल रही लाए तू। जरा इनका खेल को समझिए, अगर किसी व्यक्ति के पास आकर्षित व पहलवान टाइप बॉडी नहीं है, तो उसे पोलियो से ग्रसित व कुपोषित व्यक्ति के सामने खड़ा कर दिया जाए और ये बताने का प्रयास किया जाए कि उस कुपोषित व्यक्ति से तो इनका जबरदस्त बॉडी है। कैसे लोग रहते हैं यार।